हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो। आज के इस वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के गले में जो गर्भनाल फंस जाती है वो क्यों फंस जाती है, इसका क्या रीजन होता है और ऐसे कौन कौन से काम होते हैं जिसको करने से बेबी के गले में गर्भनाल फंस जाती है और उसको ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आप लोग बस एक नोटिफिकेशन जा पाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाए। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रेगनेंसी में गर्भनाल फंसने के बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि अगर आप गर्भ में यूमिनेटिक फ्लूड जो है वो ज्यादा है तो आपके बेबी के गले में गर्भनाल फंस सकती है, क्योंकि यूमिनेटिक फ्लूड ज्यादा है जिसकी वजह से बेबी जो होता है वो ज्यादा मूवमेंट करता है, वो कोई एक जगह फिक्स नहीं कर पाता अपनी, इसलिए ज्यादा मूवमेंट करता है जिसकी वजह से उसके गले में गर्भनाल फंस जाती है। साथ ही में अगर आप झटके से उठते हैं, झटके से बैठते हैं या फिर झटके से करवट बदल लेते हैं की वजह से भी बेबी जो है वो गर्भनाल फंसा लेता है। झटके से आप उठते बैठते हैं जिससे बेबी जो होता है वो डर जाता है और ज्यादा मूवमेंट करने लग जाता है सडनली, जिसकी वजह से उसके गले में गर्भनाल फंस जाती है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर आपको ट्विंस होने वाले हैं तो भी बेबी जो है अपने गले में गर्भनाल फंसा लेते हैं। ट्विंस बेबी होते हैं ना तो गर्भ में उतनी स्पेस नहीं होती बेबी को मूवमेंट करने के लिए, और बेबी जो होते हैं अपने ही एक दूसरे का गर्भनाल जो है वो अपने ही गले में फंसा लेते हैं मूवमेंट करने की वजह से। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ट्विंस या ट्रिपल बेबी है तो भी आपके बेबी के गले में गर्भनाल फंस सकती है। साथ ही में अगर आपका जो बेबी है उसका गर्भनाल जो है वो थोड़ा ज्यादा लंबा है, इसकी वजह से भी आपके बेबी के गले में गर्भनाल फंस सकती है। इतने सारे रीजन होते हैं बेबी के गले में गर्भनाल फंसने के। जब आपके बेबी के गले में गर्भनाल फंस जाता है तो इस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको निकालने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बेबी अपने गले में गर्भनाल फंसाता है उसी तरीके से वो खुद निकाल भी लेता है मूवमेंट के थ्रू। जैसे जैसे मूवमेंट करता है वैसे वैसे वो निकल भी जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बेबी ने 9वें मंथ में अपने गले में गर्भनाल फंसाया हुआ है तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 9वें महीने में बेबी हो चुका होता है और वो अपनी एक फिक्स पोजीशन जो है वो कर लेता है, और जो बेबी की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ा खाली पैरों की जो मूवमेंट होती है वो हमको फील होती है। तो बेबी जो है 9वें मंथ में मूवमेंट करना जो है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से 9वें मंथ में अगर गर्भनाल है तो उसको वो निकल पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, तो वो नहीं निकल पाता है। तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है और पूछते रहना, बताते रहना है इससे क्या होगा। अगर आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होनी होगी तो नॉर्मल हो जाएगी, नहीं तो सी सेक्शन से आपके बेबी जो है वो आराम से डिलीवर हो सकता है। तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने उठने बैठने और करवट बदलने पर खास ख्याल रखिए और कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसकी वजह से बेबी के गले में गर्भनाल फंस जाए। तो आपको उठना बैठना है आराम से और करवट बदलना है। करवट बदलने के लिए आपको पहले उठ के बैठना है और फिर आपको दूसरे साइड करवट लेके सो जाना है। तो इस तरीके से अपना ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपको जो गर्भनाल की जो प्रॉब्लम है आपकी बेबी में नहीं होगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की और वीडियो आप देखते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।